जैन समाज के सर्वोत्तम तीर्थ स्थान समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने से रोकने के लिए जैन समाज के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन व रैली निकाली। ये रैली बड़ा जैन मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष हाथों पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपने के लिए कार्यालय पहुंचे, पर कई घंटों की प्रतीक्षा होने के बाद खनिया थाना तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी तहसीलदार नहीं पहुंचे, तो जैन समाज के लोगों में काफी रोष व्याप्त हो चुका था। तहसील परिसर में जमकर तहसीलदार मुर्दाबाद तहसीलदार के खिलाफ नारे लगे और इसके बाद तहसीलदार को खनिया थाना बस स्टैंड पर प्रदर्शनकारियों के पास आना पड़ा और काफी देर समझाइश के बाद ज्ञापन सौंपा गया, जाम खोला गया। आंदोलन समिति के सदस्यों ने बताया कि जैन समाज के करोड़ों श्रद्धालु की आस्था के केंद्र व अनंत मुनिराज तीर्थकरों की मोक्ष स्थली समेत शिखर जी को केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल व वन्यजीव पर्यटन केंद्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके जरिए सरकार इसे पर्यटन स्थल बनाना चाहती है, जबकि जैन समाज की मांग है कि इस पूरे पर्वत श्रृंखला को पर्वत पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहां पर गैर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा ना मिले। इसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। 19 दिसंबर को खनिया थाना में जैन समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस रैली में सभी पुरुष युवा वर्ग सफेद कुर्ता पजामा में और महिलाओं व युवतियां केसरिया वस्त्रों में शामिल हुई व अपने हाथों में तख्ती लेकर काला रिबन बांधकर सरकार के निर्णय का विरोध किया। झारखंड क्षेत्र में हमारे जगम्बरों का एक अति प्राचीन जगम्बर क्षेत्र है, जहाँ से एक नहीं अनंतानंत परमेष्टि हुए हैं। वह क्षेत्र आज से नहीं अनंत वर्षों से है, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने उस क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के खिलाफ में हमारे खनिया थाना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जैन समाज एकजुट होकर इस सरकार के विरोध में आंदोलन करने जा रही है। सरकार से प्रसन्नतया हम निवेदन करते हैं कि कृपया इस अध्यादेश को वापस किया जाए, वरना आज हमारा यह शांति जलूस था और यह शांति जलूस आगे जाकर के उग्र रूप धारण कर जाएगा। अतः निवेदन हम बारंबार यही करते हैं कि कृपया इस आंदोलन को किसी पार्टी पॉलिटिक्स में न लेकर एक दिगंबर जैन समाज के पक्ष में यह हम लोग बात कहें और हमारे इन क्षेत्र को बचाने के लिए सभी सभी लोग प्रयास करें, यही हमारी भावना है। यहाँ स्पष्ट देखा शिवराज सिंह सरकार पर कोई अपना कमांड नहीं रखते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम की सूचना पहले 4 दिन पहले थी, आज तहसील कार्यालय पर एक भी कर्मचारी अब तक उपस्थित नहीं है। इसकी पीडीओ उपस्थित है, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। क्षेत्र की जनता अपने आवेदन के लिए अपने कार्य के लिए यहाँ फिर रही है, कोई भी यहाँ उनके सुनने वाला नहीं है। न बाबू सीट पर है, न तहसीलदार सीट पर है, न कोई कर्मचारी सीट पर है। मतलब बहुत हल्की बने ना जैन समाज को। जी, इनका जो तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल घोषित किया, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन ज्ञापन दिया है जैन समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, तो वही ज्ञापन लेने आया था। और सर, ये चक्का मक्का जाम किया उन लोगों ने, समय थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि अच्छा। कोई नहीं पहुंच पाया, उसकी मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ है, सूचना सही समय पर नहीं मिल पाई, तो यहाँ जो तहसीलदार थे वो क्योंकि अन्य इम्पोर्टेंट काम से गए हुए थे, मुझे सूचना मिली तो मैं पिछोर से आके यहाँ पर ज्ञापन ले लिया। कोई बात नहीं, सभी लोग पसंद।